हल्द्वानी हिंसा के 25 आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर उनका मेडिकल परीक्षण हल्द्वानी के बेस अस्पताल में कराया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच 25 आरोपियों को हल्द्वानी के बेस अस्पताल में लाया गया, जिसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। आपको बता दें, बीते 8 तारीख को हल्द्वानी के वनबुलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद लगातार आरोपियों की तलाश जारी है, जिस पे दिन पर दिन आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, और आज 25 आरोपियों को पकड़कर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद जो बाकी हिंसा के आरोपी है उनकी तलाश जारी है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने 11-12 टीम गठित कर अन्य प्रदेशों में उन टीमों को भेजा गया है, जिसके बाद जो हिंसा से लोग यहाँ से पलायन करके अन्य प्रदेशों में छिप रहे उनकी भी तलाश लगातार जारी है। ऐसे में हल्द्वानी के वनबुलपुरा क्षेत्र में धारा 144 व कर्फ्यू अभी भी पूरी तरीके से लागू है, और बॉर्डरों पर कड़ी सुरक्षा यहाँ बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग वनबुलपुरा क्षेत्र को छोड़कर पैदल मार्ग के जरिए जो है अन्य प्रदेशों में अपने रिश्तेदारों के वहाँ जा रहे हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने शिकंजा कसा है। और लगातार जो फोर्सेस है, 4 कंपनी एक्स्ट्रा बुला दी गई है, अर्धसैनिक बल, ITBP व पैरामिलिट्री के जवान अभी भी हल्द्वानी के वनबुलपुरा क्षेत्र में तैनात है। वहीं किसी भी प्रकार की कोई आरक्षकता या कोई आरक्षक तत्व का अगर गतिविधि दिखाई दे रही है तो उसके खिलाफ भी लगातार पुलिस प्रशासन अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस हिंसा के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में लगातार आप देखिए कि कुछ ही देर में यहाँ 25 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिनका मेडिकल परीक्षण किया गया, और पूरी सुरक्षा के बीच इनका मेडिकल परीक्षण किया गया। लगातार जो हिंसा के बाकी दोषी है उनकी भी तलाश जारी है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।